बुशी अपने दादा के लिए रोटी बना रही हैं, माशाल्लाह से माशाल्लाह। हेलो हेलो और वीडियो को उड़िया देख लाइक रही, करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, बशायद से लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब और करिएगा। अपने दादा के लिए रोटी भी बना रही हैं। अल्लाह सलाम वालेकुम। नाजासत के बावर्ची खाने में आज हम बना रहे हैं थोड़ी बहुत कुछ चीज़ें हैं जो मैंने कहा आपको दिखा दूँ। कोई प्रॉपर तो नहीं मैं इतनी कुकिंग कर रही हूँ, तो मैं बना रही हूँ ये टमाटर की चटनी है। ये मैंने बेबी पोटैटोज़ हैं, इनको बॉईल करके मैंने इसमें चाट मसाला वाला डाला है। और ये बना रही हूँ हरी मिर्च है फ्राई, तो मैंने कहा चलो आपके साथ शेयर करूँ, क्योंकि कुछ दिनों से आप लोग को बताया मैंने हमारे ख़ानदान में शादी शादी चल रही है, तो बिरयानी और इस तरह की चीज़ें खा के ना दिल बिल्कुल अजीब सा हो गया। तो मैंने कहा कि आज कुछ हल्का फुल्का बनाते, तो दाल चावल बनाए हैं, उसके साथ मैंने बनाया है, पहले मैं इसे कवर कर दूँ कि कोई ना, ये आलू का भरता बना रही हूँ, ठीक है ना। मैं फ्राई प्याज है इसके साथ, इसे मैं फ्राई कर लूँगी, ठीक है। ये इंग्रेडिएंट्स है, ये टमाटर की जो मैं चटनी बना रही हूँ आपको कहा कि आपके साथ मैं शेयर कर लूँ। इसमें देखिए मैंने ये से वॉश करके ना अच्छे से चॉप कर लिया है, फ्रेश आए हुए टमाटर, अभी पता मौसम के लिहाज से तो बहुत अच्छी इसकी चटनी बनती है, आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो हमने इसे काट लिया है, चॉप कर लिया है रफली। फिर एक प्याज है मैंने, इसे भी मैं कहना चाहिए ऑमलेट वाले जो होते हैं ना वैसे चॉप कर लिया। और हरी मिर्च थोड़ी सी मोटी मोटी डलेगी। फिर अगेन इसमें ये करते हैं कि लहसुन जो होता है वो भी मोटा चॉप करके डालते हैं, तो मेरे पास अभी नहीं है, तो मैं 1 टी ये पेस्ट डाल रही हूँ, ठीक है। अगेन इसमें तो ठीक है, ये हमने नमक डाल लिया है 1 टीस्पून है। हाँ, टमाटर जो मैंने डाला है ना तकरीबन समझ दें ये 1 पाव के करीब है, ठीक। फिर हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा सोया सॉस 1 टीस्पून बराबर, और चिली सॉस आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत मज़े का बनता है। ये चीज़ें हमने डाली हैं, इनको हम मिक्स कर लेंगे। अच्छे से मिक्स कर लो आप, ठीक है ना, ठीक है ना। आप चाहो उसमें तो वो भी डाल सकते हैं, कुटी हुई लाल मिर्च, ये मैं डाल रही हूँ एप्पल वेनेगर, ठीक है। अगर आपके पास वाइट वेनेगर है तो वो भी डाल सकते हैं। तकरीबन 1 टीस्पून बराबर डालना है, ज़्यादा नहीं थोड़ा सा। और ये आप तकरीबन इसे 1 हफ्ता स्टोर भी कर सकते। मैंने कहा मैं आपके साथ अपनी हल्की फुल्की सी कुकिंग जो है शेयर करूँ, और थोड़ी सी बशार की तबीयत भी सही नहीं, इसीलिए मैं अभी प्रॉपर व्लॉग बना के अपना नहीं डाल सक रही हूँ। ये देखिए इसे मैंने कवर कर दिया है, देखा किस तरह से ये इसके ऊपर वो आ गया है वेपर्स, देखें इससे हमने देखा कितना अच्छा सा हुआ है, वाओ सारा से सारा देखो ओपन हो गया है। हमने इसके दूसरी साइड टर्न कर लेना है एहतियात से, और अगेन इसे हम कवर कर देंगे, ठीक है ना। ये देखो, फिर आप इसे भी ये कर सकते हो, दाल चावल के साथ खाओ, बहुत मज़े का लगता है ये। थोड़ी देर से हमने मीडियम आंच पे पकने देना है, ठीक है। जब ये तैयार होने लगेगा ना तो इसमें हम ये करेंगे कि थोड़ी सी काली मिर्च भी डाल देंगे, आपकी मर्जी, आप चाहते स्किप भी कर सकते हो। इसे हम अगेन ये करेंगे कि कवर कर देंगे, ठीक है, ठीक है। कवर करके तकरीबन 5 से 6 मिनट हमने पकाना है। ये देखें, इसके बाद देखा ये अच्छे से पक गया है, इसे अब हल्का हल्का सा हम चूर कर लेंगे इसके अपने जूस में ना, अब इसे हल्का हल्का सा मैश कर लो। ये बिल्कुल मैश नहीं होती है, ठीक है ना, ये जो चटनी बनती है इसमें वैसे हम थोड़े से ना चीनी भी मिला देते, बिल्कुल थोड़ा सा, और बहुत ही मज़े की बनती है। ये मैंने 1/2 चम्मच चीनी डाला है, और थोड़ा सा ना ये लास्ट पे कड़ी पत्ता डाल के ना इसको इस तरह से मिक्स कर लेंगे। और अगेन हमने 1/2 टीस्पून हमने इस पर काली मिर्च डाल दिया है, और मिक्स करके इसे
बस इसको खुश करके स्टोर कर लेंगे। ठीक है, स्टोर करना स्टोर कर लो आप, है ना। ये बस थोड़ा सा और इसे हम खुश करेंगे। और हाँ, इसको लास्ट में ना आप ये करो कि ऑयल मैंने बिल्कुल भी नहीं डाला है, थोड़ा सा ना ऑयल डाल लें आप, एक ग्रेसनेस सी आ जाती है। और ये देखिए लास्ट में मैं थोड़ा सा मस्टर्ड ऑयल डाल दिया। ठीक है, ऑयल डाल के इसे मिक्स कर लिया है, एक मिनट चला के इसे हमने बस ठंडा करके किसी भी टाइट जार में ना रख लेना है। देखा कैसी क्रिस्पनेस आ गई इसमें, देखो ऑयल फौरन ये छोड़ देगा, पता चल जाएगा कि हमारा ये तैयार हो गया है। बहुत ही मज़े की बनती है ये, हल्की हल्की सी साबित होती है, हल्की हल्की सी कुचली भी होती है इस तरह से। अब आप रोटी के साथ खाओ, चावल के साथ खाओ, किसी भी चीज़ के साथ आप भी खाओगे ना, आपको बहुत ही टेस्ट देगी। ओके, ये हो गया, हमने इसे बंद कर दिया है, फ्लेम ऑफ कर दिया है, अब ठंडा हो जाएगा तो बॉक्स में निकाल लेंगे। ओके, हमारा ये मेन्यू है, चावल सादा, ठीक है, चावल सादा, ये फ्राई जो हमने बॉईल करके बनाया था, इसमें सारी चीज़ें, इसमें मैंने क्या कहते हैं चाट मसाला डाला है। ठीक है, ठीक है ना, ये आलू हमने बॉईल कर लिया था, बॉईल करके इसमें मैंने थोड़ा सा ना लाल मिर्च डाल दिया, लाल मिर्च के बाद मैंने इसमें चाट मसाला थोड़ा सा डाला और काली मिर्च डाल के इसको फ्राई सा कर लिया। तो देखो कितना अच्छा कर आ गया, दाल जो आ गया ना वैसे बनाते वैसे। अच्छा भाई बुशी का सुन ले, बुशी बोल रही है क्या है चावल, ये बॉयल राइस है और यहाँ फ्राई मिर्च है, ये लहसुन जो हरा लहसुन जो होता है सर्दी की सौगात, उसकी चटनी मैंने बनाई है, ये टमाटर की चटनी है, ये भरता है। ठीक है, इसे मैंने आपको दिखाया था मैश करके, इसके बाद मैंने इसे हल्का सा फ्राई कर लिया। और ये दाल है, हाँ सूप है भाई बुशी का, ये सूप बोलती बुशी से। और ये धनिया पुदीने की चटनी है, ये हमारा सॉस है। अब हम मैश करते हैं, आप देखो तो छोटी मोटी मैंने ऐसी वीडियो बना ली थी। ये देखिए उरुश, ये उरुश खा रही हैं, और बशार, बशार तो छोटी हैं तो वो सिर्फ दाल चावल खाएंगी, और उनकी तबीयत भी इतनी सही नहीं है तो उन्हें सादा सा दूंगी। हाँ खाया, करिएगा करिएगा शेयर करके लाइक। आपको ये दूं नहीं, नहीं नहीं, अच्छा बुशी नहीं खाएगी, इसकी तबीयत सही नहीं तो ज्यादा इंसिस्ट नहीं। तो ठीक है, मेरे आज का ये ही सादा से मेनू, दो तीन दिन की जी, दो तीन दिन की सादा सी मेरी ये वीडियो थी। मैंने कहा चलो छोटी छोटी सी मैंने क्लिप्स वो कर लिया और क्या क्या आपके साथ शेयर करती हूँ। ओके, ये छोटी सी बच्ची बोल रही है तो प्लीज लाइक कर दो भाई इस वीडियो को और सब्सक्राइब कर दो हमारे चैनल को। थैंक यू, कीप वॉच माय चैनल, मैं अजय सत का बावर्ची खाना, अल्लाह हाफिज़। एक शादी में हम लोग गए थे तो वहाँ की थोड़ी सी ये यादें हैं जो मैंने कैप्चर कर लिया। मेरी मामा है, ये बहन है, और ये यजार है भांजा मेरा, फिर मैं असद है, और ये बशार हम लोग गए थे। अगेन मेरे भांजा भांजे आ जाएंगे, भतीजा भतीजी है, इनके साथ मैंने थोड़ी सी पिक्चर ले ली थी। शाह मेरे साथ हैं, और मशहूद सभी हैं, हसन है, रिजा है, ये कामरान भाई हैं, सना है, यदा नयान अगेन, और फिर मैं असद है आ जाएंगे। इसके बाद हमने खाना खाया था, खाना बहुत ही मज़े का था, उसमें फ्राई फिश थी, बिरयानी थी, मीट और वॉन्टॉन था, कच्चा कलवा था, ये सभी है मेरे पड़ोस में। और उसके बाद असाद अली है अगेन,
आ जाएंगे सभी। मैं अजीला